बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूं जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट ये है कि अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं, यहां पर एक पाकिस्तानी भाई मेरे साथ बैठा हुआ है, मुझको बोल रहा है कि यार तू बहुत तेज तेज बोलता है। तो मैंने उसको बोला शायद मैं वाकई तेज बोलता हूं। अच्छा, आप भाई मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं इसके मुतलक। न्यूज दो तीन से वायरल आई सोशल मीडिया के ऊपर, मैंने इसके मुतलक न्यूज नहीं बनाई थी क्योंकि मैं किसी कन्फर्म न्यूज के इंतजार में था। वो ये है जी कि एक औरत पर भाई, एक औरत को मारा पीटा गया, उससे भाई मकसद तो ये था, उस काले बंदे का, काले ही बोलते हैं हम इनको, तो उस औरत से लूट मार का। लेकिन वो जब अपना पर्स छोड़ नहीं रही थी, आपने अक्सर देखा होगा पाकिस्तान में, मैंने देखा है जी, औरत के हाथ से भी अगर आप पर्स या मोबाइल वगैरह को चोर छीनने लगे ना, तो औरत भी आगे से भाई अच्छी खासी फाइट करती है। लेकिन औरत ज्यादा ये पाकिस्तानी औरत थी, यहां पर आपको मैं क्लियर कर दूं, रियाद शहर का ये वाकया है, पाकिस्तानी औरत थी। इससे ये काले भाई पर्स छीन रहे थे, जब वो दे नहीं रही थी, उसके बाद वो काले ने उसको धक्का वगैरह दिया, उसे मारा, फिर उसका सर वगैरह दीवार के साथ लगा, तो वो पर्स उसके हाथ से छूट गया, वो काला पर्स लेकर भाग गया। और इसकी एक भाई छोटी बच्ची भी इसके साथ में थी। तो बात करते हैं जो मेन न्यूज इसके मुतालिक अभी आ रही है। जब ये न्यूज सोशल मीडिया पर वायरल हुई है तो सऊदी मरूर की तरफ से ये फिर इसके ऊपर कार्रवाई की गई है। मैं अक्सर आपको न्यूज में बताता हूं तमामतर उन बंदों को भी लेकर जो सोशल मीडिया पर भाई अपने रियल शो करते हैं, खासकर टिकटॉक के ऊपर अपने आप को भाई शो मिट करवाने के लिए या लाइक्स वगैरह लेने के लिए, कि ये सऊदी अरब है। ये क्यों बोलता हूं भाई कि यहां पर कोई भी आपकी ऐसी हरकत आपको सीधा जेल और फाइन की तरफ ले जाएगी। तो इन तीन बंदों को भाई गिरफ्तार कर लिया गया है। रहाइश इनकी बता रही, यानी कि कंट्री के नाम से इनको बताया जा रहा है शादियान। लेकिन आपको पता है यहां पर हम पाकिस्तानी भाई इन्हें ज्यादातर शुमाली बोलते हैं, ये यमन के रास्ते या किसी भी और कंट्री के थ्रू सऊदी अरब में दाखिल होते हैं, मेहनत मजदूरी ही करते हैं। लेकिन इनमें से बहुत से ऐसे भी होते हैं जो चोरी डकैती की वारदातें घरों में, खारजियों के घरों में घुस जाते हैं, वहां से लूटमार करते हैं। अगर कोई बंदा इनको अकेले में मिल जाए तो उसे चाकू वगैरह दिखाकर उससे लूटमार करते हैं। तो इस औरत से भी, औरत जात थी, अकेली थी, इन लोगों ने यही काम किया है कि इससे पर्स वगैरह छीन लिया। लेकिन ये सऊदी अरब है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, इन तीनों को भाई 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। यहां पर इनके मुतालिक मैंने आपको एक वीडियो भी चलाकर दिखा दी गई है। तो भाई इनको अभी अच्छी खासी सजा और अच्छा खासा फाइन होगा, उसके बाद ही इनको भाई बैंड करके सऊदी अरब से निकाला जाएगा। पहले इनको फाइन और जेल भुगतना होगी। किसी और न्यूज के मुतालिक जानना हो सऊदी अरबिया से तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।